छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस मिलने के बाद बीजेपी विधायकों ने 1 माह की सैलरी देने का निर्णय लिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कोरोना से लड़ाई जारी है, इसलिए वे सभी सरकार के साथ हर कदम पर उनका साथ देंगे। कोरोना सरकार की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सरकार के जो अभियान है उसमें हर तरीके की मदद के लिए तत्पर है। और वहीं बीजेपी ने प्रदेश में मौजूदा हालात पर सरकार पर भी सवाल उठाए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हालात में स्वास्थ्य मंत्री राज्य में उपलब्ध नहीं है। कोरोना को लेकर वास्तविक तथ्यों से मीडिया तक को अवगत नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है यह स्थिति बेहद घातक है कि स्टेज 1 और 2 के बाद अब स्टेज 3 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से पॉजिटिव मामले बढ़ गए। ये बड़ा घातक है कि स्टेज 1 और 2 के बाद यदि कम्युनिटी से इस प्रकार के इन्फेक्शन आते हैं तो 1-to-1 होना अलग बात है, आइडेंटिफाई लोगों से आना अलग बात है, और तीसरा स्टेज में अनआइडेंटिफाई लोगों से यदि कोरोना हमारे अंदर आता है तो ये स्टेज 3 की शुरुआत की पहचान है और शायद उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकना तत्काल जरूरी है। सीजीएमएस की जो उनके लिए सामान खरीदेगी उसको अतिरिक्त तत्काल खरीदी हो, इसके लिए अतिरिक्त चीजें क्या मुहैया कराई जा रही हैं, कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं, इससे आप ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ अनभिज्ञ है। बस एक नारा भर लगाया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, कर्फ्यू, ये छूट वो छूट वो छूट। इसलिए यह सरकार, इस सरकार के पास कोरोना को लेकर विजन नहीं है। छत्तीसगढ़ यदि सुरक्षित है तो यहाँ की जनता के जागरूकता के कारण सुरक्षित है। रायता जो हमारा वेतन है उसको कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए उसमें लगाएंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। और ये जो सरकार है ये पूरी तरह कोरोना की लड़ाई लड़ने के बजाय राजनीतिक लड़ाई में लगी है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने चाहिए, पैकेज जारी करना चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं है इस सरकार में कि कैसे मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लागू नहीं हो पा रही है। विदेश से